हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खेत में चल रही बकरियों को स्कॉर्पियो में डाल भागे ग्रामीणों ने 40 किलोमीटर तक पीछा कर रुकवाई करी। एक महिला सहित तीन को पकड़ा। जिले के रामसर थाना अंतर्गत रेडाना गांव से दिन दहाड़े खेत में चल रही पांच बकरियों को चोर स्कॉर्पियो में डालकर चुरा कर ले गए। बकरियां ले जाते देख ग्रामीणों व परिजनों ने स्कॉर्पियो का पीछा किया। पुलिस ने भी सूचना दी। ग्रामीणों ने करीब 50-60 किलोमीटर दूर खरीन गाँव से बकरियां व एक महिला सहित दो चोरों को पकड़ लिया। वहीं एक चोर वहां से भाग गया। इस दौरान चोर रामसर पुलिस की नाकाबंदी भी तोड़ भाग गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक सोमवार को रेडाना गांव में खेत में बकरियां चल रही थी। खेत से कुछ दूरी पर डामर सड़क है। दोपहर में एक स्कॉर्पियो लेकर दो तीन बदमाश पांच बकरियों को गाड़ी में डालकर रामसर की तरफ भाग गए। खेत में पेड़ की छाया बैठी महिलाओं ने ये देख लिया। रेडाना गांव से एक दो गाड़ियों ने स्कॉर्पियो का पीछा किया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि नरपत सिंह ने रामसर थाने में फोन किया। पुलिस ने रामसर में नाकाबंदी की, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर चोर भाग गए। पुलिस और ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो का पीछा किया। सूचना देने पर ग्रामीणों ने खरीद में स्कॉर्पियो को रुकवा दिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 10 बकरियों को बरामद किया। दो युवकों व एक महिला को पकड़ थाने लेकर आई है। एक युवक भाग गया। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में बताया कि पांच मवेशी देरासर गांव से चुराना बताया है। रामसर थानाधिकारी सही राम के मुताबिक स्कॉर्पियो व 10 मवेशियों को बरामद कर एक महिला सहित दो चोरों को पकड़ लिया है। पुलिस चोरों को पकड़ थाने लेकर आई है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कैंपर को भारी टक्कर। पीड़ित कमाल खान के मुताबिक खरीन गांव में सूचना देने पर ग्रामीण स्कॉर्पियो को रुकवाने के लिए अपनी बोलेरो कैंपर खड़ी की। बदमाशों ने कैंपर गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद खरीन ग्रामीण ने दो चोर व एक महिला को पकड़ लिया। एक बदमाश भाग गया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।